हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि राणा, आप देख रहे हो रवि फिटनेस आर एस यूट्यूब चैनल। तो ये आज वीडियो होने वाली है नो जिम फुल बॉडी वर्कआउट पर। जैसे कि आप किसी भी जिम या पार्क वगैरह में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही कैसे अपना फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो और एक अच्छी तगड़ी बॉडी बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भाई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो भाई वर्कआउट करने से पहले कर लेते हैं थोड़ा बार नप। तो बार नप आपको जरूर करना है, इससे कि आपको इंजरीज के चांसेस ना हो और एक आप अच्छा वर्कआउट कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको मसल खोल लेनी है, अच्छे से स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से करनी है इस तरीके से। इससे आपके चेस्ट की और बाजू की मसल अच्छे से खुल जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से करनी आपको स्ट्रेचिंग। इस तरीके से, इससे कि भाई आपकी मसल खुल जाएंगे अच्छे से। इस तरीके से तो बार नप आए अच्छे से करना आपको, एक से दो मिनट कर सकते हो आप बार नप इस तरीके से। तो भाई बॉडी हो चुके रेडी और वर्कआउट के लिए तैयार होते हैं। और आपको टांगे भी खोल लेनी इस तरीके से, इस तरीके से। तो पहले एक्सरसाइज लगाते हैं स्क्वाट्स लेग्स के लिए, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको पैर सीधे रखने हैं थोड़े हल्के इस तरीके से, और सीधा नीचे जाना आपको इस तरीके से। घुटने आपके पंजे से बाहर नहीं जाने चाहिए बिल्कुल भी इस तरीके से। ये देखिए कमर एकदम सीधी इस तरीके से। ये देखिए सीधा, एकदम सीधा नीचे जाना इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और भाई पूरा आपको इस तरीके से बैठना नहीं है, इस तरीके से भाई बैठना नहीं है बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ा यहाँ इस तरीके से रुकना आपको इस तरीके से। ये इस तरीके से लगानी आपको एक्सरसाइज। ये और आइए अगली एक्सरसाइज लगाते हैं लेग्स के लिए। तो भाई इस तरीके से लगानी है आपको अगली एक्सरसाइज। आपको एक पंजा पीछे रखना और यहाँ हाथ रखने आपको, और दूसरा पंजा आगे की तरफ, और इस तरीके से। इसका भी आपका घुटना पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी इस तरीके से। सिलो नीचे, सिलो ऊपर, सिलो ऊपर, सिलो नीचे, सिलो ऊपर। तो अगली लेग्स के लिए लगाते हैं अगली इस तरीके से। ये सिलो नीचे, सिलो ऊपर, सिलो नीचे, सिलो ऊपर, सिलो नीचे, सिलो ऊपर। इस तरीके से लगानी आपको एक्सरसाइज। ये देखिए बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज आपके लेग्स के लिए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये अगली एक्सरसाइज लगाते हैं। तो आज चेस्ट के लिए तीन टाइप की पुशअप्स लगाएंगे, जिसमें कि पहले एक्सरसाइज होने वाली आपकी बाजू फैला के लगानी आपको पहले पुशअप्स इस तरीके से। ये इस तरीके से पैर अपने दोनों एक जगह पीछे, और सिलो नीचे, सिलो ऊपर, सिलो नीचे, सिलो ऊपर इस तरीके से। ये और भाई आपको गर्दन नीचे नहीं करनी इस तरीके से, गर्दन अपनी ऊपर रहनी है इस तरीके से। ऊपर सिलो नीचे, सिलो ऊपर, सिलो नीचे, सिलो ऊपर इस तरीके से। और आपकी बॉडी एकदम सीधी रहनी चाहिए, सीधी एकदम इस तरीके से। ये इस तरीके से। तो भाई थोड़ा इस तरीके से आप कर लेना ये, और 5 से 6 सेकंड का आपको रेस्ट लेने के बाद फिर अगली पुशअप लगानी है इस तरीके से। तो हाथ अपने और क्लोज कर लेने हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से, सिलो नीचे, सिलो ऊपर। ये देखिए एकदम चेस्ट पे पूरा लोड आ रहा है इस तरीके से।
ये देखिए, तो ये लगाते हैं अगली एक्सरसाइज, तो थोड़ा फिर रेस्ट लेते हैं थोड़ा। तो आप भी 5 से 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो। तो अगली पुशअप्स आपको इस तरीके से लगानी है, ये देखिए एकदम पूरा चेस्ट ट्रेन हो रहा अच्छे से। तो भाई आप अगली पुशअप्स आपको इस तरीके से लगानी है, इस तरीके से आपको हाथ कर लेने दोहरे की एकदम क्लोज इस तरीके से ये। तो भाई ये आपके चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बॉडी सीधी एकदम इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से, सिलो नीचे सिलो ऊपर इस तरीके से, सिलो नीचे सिलो ऊपर सिलो नीचे सिलो। तो ये हो गई आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज। और ट्राइसेप के लिए कौन सी पुशअप्स लगानी है आपको वो ही बताऊँगा, और जिससे कि आपके अन्य पार्ट भी ट्रेन हो जाते हैं उससे, जैसे कि इस तरीके से लगानी है आपको पुशअप्स, ये देखिए ये पीछे की तरफ गए तो आपके बैक पे लोड आता है, और ये इस तरीके से ये, इससे आपके एप्स भी ट्रेन हो जाते हैं, एप्स की भी एक्सरसाइज लगती है इससे इस तरीके से। और भाई इसमें आपके कंधे शोल्डर भी ट्रेन होते हैं अच्छे से, तो इस तरीके से लगाने आपको ये पुशअप्स इस तरीके से। तो आपकी बहुत ही अच्छी पुशअप्स है, और इससे आपकी जब आप ऊपर की तरफ आते हो तो इससे आपका चेस्ट भी ट्रेन होता है, जो ऊपर की तरफ आते हो आप इस तरीके से ये, तो इससे आपके एप्स पे भी खिंचाव आता पूरा। और बाइसेप और ट्राइसेप के लिए दोनों के लिए पुशअप्स लगाते हैं। तो भाई मेहनत बहुत ही हो चुकी है, पसीना एकदम पूरा आ रहा है, तो इस तरीके से लगानी है आपको एक्सरसाइज। तो बाइसेप और ट्राइसेप के लिए दोनों का एक्सरसाइज लगाते हैं इस तरीके से, आपको हाथ कर लेने पीछे की तरफ ये इस तरीके से, और ये नीचे आए तो भाई ट्राइसेप पे लोड, और ऊपर गए तो बाइसेप पे इस तरीके से ये इस तरीके से, ये देखिए ये देखिए पूरा बाइसेप और ट्राइसेप पे लोड आ रहा पूरा। दोस्तों वर्कआउट हो चुका अपना फाइनल, और अगली वीडियो जो आ रही है हमारी होम वर्कआउट सीरीज पर आ रही है, जैसे कि आपको कौन से दिन कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए, तो 1 डे से स्टार्ट करेंगे, और पूरे हफ्ते तक आपको कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए उसी के बारे में बताऊंगा। तो जब तक जय हिंद और वंदे मातरम।